हेलो। तो हम लोग अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स में। इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स। अगर तुमसे ये कोई पूछे कि भाई पार्टिकल का वेलोसिटी आप क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे निकालते हैं, क्या ये उसी प्रकार से निकालते हैं जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में निकालते हैं, या ये क्वेश्चन में जो है कुछ अटपटा सा तुम्हें लगा? अगर अटपटा सा तुम्हें लगा तो तुम कमेंट में बताना। क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा जो वेलोसिटी होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में वेलोसिटी होता है डीएक्स बाई डीटी। दिस इज वेलोसिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या हम यही फॉर्मालिज्म यूज कर सकते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑल्सो? सवाल ये है, दिस इज द क्वेश्चन। इज इट दैट कि हम इसी तरह से इसको कैलकुलेट कर ले आराम से, या कुछ और प्रोसीड्योर है? तो जब भी तुमको कोई इस तरह का सवाल पूछे, तुम कुछ चीजें ध्यान रखना, उसके बाद जो है तुम अपना जवाब देना। जो तुम पहला चीज ध्यान रखोगे, जो तुम्हारे तुमको ध्यान में होना चाहिए, वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। क्वांटम मैकेनिक्स, ये स्प्रेड कर रहा है ज्यादा, क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट, अगर मान लो तुमसे कोई टेस्ट करने के लिए पूछ लिया, पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। इसमें एग्जैक्ट जो है प्रिसाइजनेस, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ये नहीं देता, ये सभी पॉसिबिलिटीज को बताता है। हमारा जो पोजीशन होता है इन क्वांटम मैकेनिक्स, पोजीशन इन क्वांटम मैकेनिक्स जो हम मेजर करते हैं, पोजीशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, इट इज दिस क्वांटिटी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। ये होता है पोजीशन, क्योंकि जब तुम कोई मेजरमेंट करते हो, हम लोगों ने कल एक एग्जांपल देखा उसका, पार्टिकल इन ए बॉक्स का, एंड इन दैट पार्टिकल इन ए बॉक्स जो है, हमने पाया कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा जो है, दैट इज इन द मिडल ऑफ द बॉक्स, और बाकी जगह भी प्रोबेबिलिटीज है, एकदम जो एंड पॉइंट्स है वहां पे नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, दिस इज व्हाट वी सॉ। तो यहां पर जब हम प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये तुमको ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। इसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वैल्यू। कल हम लोगों ने एक एग्जांपल के माध्यम से भी देखा कि एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है दैट इज सेम। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया क्वांटम मैकेनिक्स में वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है? तब कि वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, पार्टिकल तो मूव कर रहा है। तर्क तो ये बनता है कि पार्टिकल, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग देन देयर मस्ट बी ए वेलोसिटी। भाई पर यूनिट टाइम में कोई डिस्टेंस तो ले रहा है, देन व्हाट इज द कंसेप्ट? तो क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी
इन क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स में वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन. तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेलोसिटी का मतलब होता है जिसको हम वेलोसिटी एक्चुअली कह रहे हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजिशन. मीन्स जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, एज टाइम गोज ऑन मूविंग फॉरवर्ड, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल चेंज. और हमको ये पता करना होता है, वेलोसिटी का मतलब ये है कि हाउ फास्ट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज चेंजिंग. इन क्वांटम मैकेनिक्स द क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट इज द rate of change, of expectation value of x. तो हम ये जानना चाहते हैं जिस quantity से हमको मतलब होता है in quantum mechanics, that is the rate of change of the expectation value. This is what we are interested in. This is what we are स्टडिंग. दिस इज द क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स. तो हम लोग ये देखेंगे इसमें कि ये हम कैसे कैलकुलेट करें. सो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी नीड टू नो dt ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रेट ऑफ चेंज हमको पता करना होता है. दिस इज ए क्वांटिटी विच इज सिमिलर टू योर वेलोसिटी. यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं होती है, पार्टिकल का जो है कोई वेलोसिटी नहीं होता है. क्यों नहीं होता है ये तुम खुद सोचो, नहीं तो अभी हम इस पॉइंट पे आएंगे. अभी तो व्हाट वी रिक्वायर दिस क्वांटिटी. ये क्या होगा मैंने dx अपॉन dt जो अगर हम कैलकुलेट करना चाहे, दिस मीन्स वी वांट टू कैलकुलेट d अपॉन dt जो हमारा ये psi star x psi dx, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे. चलो कैलकुलेट करते हैं. डिफरेंशिएशन है सिंपल सा, dx by dt इसको जो है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम इंटीग्रल में रखते हैं. एक्स जो है ये हमारा पोजीशन है, तो हम बेसिकली निकालना क्या चाह रहे हैं, डेल अपॉन डेल टी ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स. अब ये जो क्वांटिटी तुम्हारे सामने है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसके बारे में हमने तुमको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि ये क्वांटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में. That is called the probability density current. तुम पिछला लेक्चर वीडियो जाके देखना, ये जो है तुमको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आई एच बार बाई टू एम एंड देन यू हैव दिस इंटीग्रल एक्स एंड डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई अपॉन डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स. This is a quantity which is called the probability density current. Probability current. ये तुम पिछले लेक्चर में जाके देखना, इस पर भी हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे. Probability current. ये जो है तुम्हारा फ्लो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, चार्ज में पढ़ते हैं, फ्लूइड्स में पढ़ते हैं, उसी प्रकार का यहां पे प्रोबेबिलिटी फ्लो कर रहा है. So, जिसको तुम वेलोसिटी कह रहे हो, इट इज एक्चुअली समथिंग विच इज द डिफाइंड बाय द फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब ये जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन है, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करना होता है. तुम लोग मैथमेटिक्स अच्छा जानते हो, कर सकते हो नहीं, तुमको करना है, क्योंकि हर डेरिवेशन जो है तुमको कोई करवा दे तब करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. डेरिवेशंस तुमको खुद भी प्रैक्टिस करने चाहिए, जहां पर नहीं होगा तुमको जो है तब बुक से या कहीं से हेल्प लेना चाहिए.
ये सब सिंपल डेरिवेशन से, इसमें कोई एक्स्ट्रा मैथमेटिकल टूल की तुमको जरूरत नहीं है। तो इससे तुम सीखोगे कि कैसे जो है स्टेप वाइज आगे बढ़े, तब डेरिवेशन रटने की जो आदत है वो धीरे धीरे खत्म होगी। तो यहाँ पे जो है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन किया गया, डेल अपॉन डेल एक्स को 1 रखा गया है, बाउंड्री टर्म को हटा दिया गया है, लिमिट को हटा दिया गया फॉर सिंप्लिसिटी। अब इसमें जो है दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स करते हैं, तो इसमें जो है कुछ ये मिलता है, एंड दिस यू शुड वेरीफाई बाय योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे समय की सीमा है, हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते इसको, सो यू शुड वेरीफाई बाय योरसेल्फ। इस ये करोगे अगर तो तुम्ही को लाभ है, हमको नहीं है। इट कम्स आउट टू बी डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स है, ये तुमको मिला, क्या है ये रिजल्ट, व्हाट इज दिस। हम लोग जो यहां पे कैलकुलेट किए, इट इज द रेट ऑफ चेंज या टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड नॉट द पोजीशन इटसेल्फ। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट वेलोसिटी, का मतलब है यू आर फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद टाइम। फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कंक्लूड दैट वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इट इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है, ठीक है। अब जो है, अब हमारा सवाल ये होता है कि क्या हम पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इसका जवाब ये है कि क्वांटम मैकेनिकल सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, बिकॉज इट इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, ये जो है नेचर में प्रोबेबिलिस्टिक है, यहां पे हमको जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में मिलते हैं। इन दिस सिचुएशन इट इज नॉट वेरी मीनिंगफुल टू आस्क और टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और इसका एक बहुत बड़ा फिलोसॉफी हम बता रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल का पाथ डिफाइन नहीं है, तुम जो एक्स को पार्टिकल वेलोसिटी के लिए तुमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स को निकालोगे कि टी बराबर 1 पे एक्स ये था, टी बराबर 2 पे एक्स ये था, टी बराबर 3 पे एक्स ये था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ टू कैलकुलेट प्रिसीजली एक्यूरेटली द वैल्यू ऑफ एक्स, पोजिशन हम जो है एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। What we get the expectation value. तो यहां पर से हमारा कंक्लूजन ये होता है, सो इन क्वांटम मैकेनिक्स we cannot find the velocity of the particle because the position is uncertain, position जो है वो uncertain है, तुम position accurately measure ही नहीं कर सकते। इसका एक और सेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है क्वांटम मैकेनिकल सिचुएशन में,
कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम बात करते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड द पाथ ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का जो है कोई पाथ नहीं होता है। जैसा हम लोग कहते हैं उसमें इन योर क्लासिकल मैकेनिक्स कि पार्टिकल जो है इस पाथ से ट्रेवल कर रहा है, इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज नो पाथ। इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज नो डिफाइंड पाथ ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का जो है कोई डिफाइंड पाथ यहां पर नहीं होता है। दैट इज व्हाई यू कैन नॉट कैलकुलेट द वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस शुड बी योर आंसर। अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, दिस इज द आंसर दैट यू शुड प्रोवाइड। हम यहाँ पे जब भी पोजीशन की बात करते हैं हमको एक पॉसिबल वैल्यू मिलता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो जिसको हम, तो अगर हमारे पास पोजीशन के रूप में, पोजीशन की बात अगर हम करें तो वहां पे पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट वेलोसिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि यहां पे एक्स तो कुछ है ही नहीं, हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स मिल रहा है। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट वी हैव इज ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, ये हमको मिलता है, नॉट द एग्जैक्ट वेलोसिटी, क्योंकि पाथ डिफाइंड ही नहीं है, एक्स डिफाइंड ही नहीं है, एक्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है। टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द आंसर। टाइम डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते हो। टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन is the expectation value of derivative velocity, is the expectation value of velocity, ये velocity का expectation value। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई ये पूछे, हम ये जो है थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम है, तुमको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि कहीं पर जो कट रहा है या तुमको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, दैट इज दैट डज नॉट ऑकर, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम है, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट, समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई पाथ नहीं होता है। जब हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू के हमने बारे में बताया था, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसीलिए होता है बिकॉज यू डोंट हैव ए डिफाइंड पाथ, तुमको जो है वहां पर पाथ नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है अभी हम लोग फिर देखेंगे सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड द मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू। उसके बाद हम लोग आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन इक्वेशंस पढ़ेंगे। इस पर पहले कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे दैट आर आस्क्ड इन द नेट गेट एग्जाम, और जिससे तुम्हारा कंसेप्ट और जो है साफ हो, क्लियर हो। तो मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज माइनस आई एच बार, या एच बार अपॉन आई भी लिख सकते हो, साई स्टार माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, थोड़ा छोटा हो गया साई। ये ऑर्डरिंग का क्या मतलब है, इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में समझेंगे।